दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज की इस सीरीज में हम बात करेंगे खबरों में सोवा रिक्पा के बारे में। 20 से 21 मई 2022 तक गंगटोक में सोवा रिक्पा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिक्पा यानी NISR और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी यानी NIT द्वारा आयोजित हो रहा है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूरे भारत से पारंपरिक सोवा रिक्पा व्यवसायी भाग लेंगे। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में सोवा रिक्पा चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह विद्वानों और शोधकर्ताओं को सोवा रिक्पा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। जान लेते हैं सोवा रिक्पा के बारे में। यह 7 आयुष प्रणालियों में से एक है। यह दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। इसका इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोवा रिक्पा शब्द भोटी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपचार का ज्ञान। इसे आमची के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। अब जान लेते हैं सोवा रिक्पा के राष्ट्रीय संस्थान यानी NSIR के बारे में। यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह शहर में हुई थी। इसमें अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रावधान हैं।